दिस इज मी शेफ शाहिना शुमाल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहिना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहिना और यहाँ पर मौजूद है एक और शेफ मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है फायजा ताहिर। और जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। और जी फायजा, आज क्या बनाना सिखा रही हैं? जी आज मैं लाई हूँ मंगोलियन चिकन। ठीक है, और इसके साथ साथ में बनाऊँगी सोते वेज और एक मेरे ही अपना मतलब कि मेरी वेरिएशन है अपना सॉस बनाई हुई आपकी वेरिएशन है। ठीक है, स्राचा सॉस है विद वेरिएशन। जबरदस्त, थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है और कोई बात नहीं होती है, ये सारे जो है वो आपकी फैमिली देख रही है और हम भी आपकी फैमिली है। अच्छा, साथ साथ जो है ना मुझे फायदा आपने ये बताना है कि माशाल्लाह फायदा बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स पे जाकर उन्होंने बहुत सारा अपना काम किया, एज अ एंटरप्रेन्योर वूमेन काम करती हैं, ऑर्डर्स का सिलसिला रहता है। अच्छा फायदा मुझे बताएं कि किसी को कांटेक्ट करना हो तो अपना पेज बता दें और किस तरह की डिशेस का ऑर्डर लेती हैं, क्या करती हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बिल्कुल आपने बताना है। मेरे पेज का नाम है फायदा होम डिलाइट्स, इंस्टा पे भी फायदा होम डिलाइट्स के नाम से ही हूँ और मैं बेसिकली पार्टीज और दावत के उसके ऑर्डर्स लेती हूँ। साथ में मेरा बेकिंग का भी है, तो केक हो गए, पेस्ट्रीज और डिफरेंट डेजर्ट्स वो भी मैं हैंडल कर सकती हूँ, और कॉन्टिनेंटल इटालियन पाकिस्तानी फूड जिस तरह का चाहे वो सब। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा फायजा मुझे बताएं कितने केजी का ऑर्डर आप ले लेती हैं, मतलब 10 केजी का बना लेती हैं, 5 केजी तक का बना लेती हैं, 2 केजी से स्टार्ट है, किस तरह से ऑर्डर्स आपका? ना नहीं, अभी स्टार्टिंग तो मेरा 5 से अबव चला गया है। ठीक है, माशाल्लाह 40-50 पर्सन का ऑर्डर ले लेती हैं। अच्छा, देग बनाई है? बड़ा देग में जो बनाते हैं ना, मुझे तो बड़ा शौक है देगों में बनाने का और बड़ा मेरा दिल करता है कि बस बड़ी वाली देग हो और मैं जो है ना उसमें बना रही हूँ, तो ऐसा है मेरा इरादा है। हाँ। अब करने का, क्योंकि मैं जो लेके आई हूँ उतना बड़ा मैं भगोना टाइप का लेकर आई हूँ, तो सच में अपना देख ही लिया हूँ तो वो ज्यादा इजी हो जाए। अच्छा, उसका फ्लेवर बहुत चेंज होता है और हर बर्तन का अपना एक फ्लेवर होता है, जैसे लोहे के बर्तन होते हैं उनका अलग फ्लेवर है, और जैसे हम नॉनस्टिक का बना रहे हैं या हम कास्ट आयरन के कुकवेयर्स में बना रहे हैं या जो है हम सिल्वर की पतीलियों में बना रहे हैं, तो या तांबे की स्पेशली पहले ज़माने में, तो वो बड़ा उनका वो खाना जायकेदार और सेहत से भरपूर खाने होते थे। हम लोगों ने गलती करी है, वो बर्तन छोड़ के हम दूसरे इस पर आ गए, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए जी जनाब, तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की जानिब आते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपने बताने कि भाई क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, ये है 1/2 kg चिकन स्ट्रिप्स में कटे हुए। ठीक है, इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर। ठीक है, नहीं हम पहले ना रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, हम बना रहे हैं यहाँ पर मंगोलियन चिकन। अभी आपने सौते वेजिटेबल्स के इंग्रेडिएंट्स नहीं बताने, आपने सिर्फ मंगोलियन चिकन के बताने, सही है? तो इसमें फिलहाल मैं कॉर्नफ्लावर, ठीक है, और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, ये डाल के इसको मैरिनेट करके रख दूंगी साइड पे। ठीक है, हम इसको फिर लाइटली सॉटे करेंगे। ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, ये क्या है आपके पास? ये है टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी, ये कितनी है? ये टू टोमेटोस के साथ। ठीक है, अच्छा ये साथ साथ सॉल्ट है, ये क्या है? ये ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर है, ठीक है, और ये क्या है? ये केचप है। सही है, ये चिली सॉस है। ठीक है, कॉर्नफ्लावर है, ये सेसमे सीड है। ठीक है, ये रेड चिली है। ठीक है, चिली फ्लेक्स है। ब्लैक पेपर हो गई, चिली हो गई, रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर हो गया, और ये अदरक लहसुन, जिंजर गार्लिक, और ये हमारा जो है वो चिकन है। चिकन कितनी ली आपने? ये 1/2 kg, 1/2 kg चिकन ली है, बोनलेस स्ट्रिप्स में कट की हुई है। चले जी बिस्मिल्ला करके स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आपने डालने? मैं आपको स्पून वगैरह पास कर देती हूँ। ठीक है, अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं? सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लावर। ठीक है, और इसके साथ हम डालेंगे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स करके, ठीक है, फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि वो अच्छा सा उसमें मैरिनेट हो जाए। अच्छा, एग वगैरह आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे? नहीं, इसमें। ठीक है, अच्छा इस बहुत सारे लोग ना एग भी डालते हैं ना, एग थोड़ा सा डालते हैं हाँ। लेकिन सबकी अपनी ओन क्रिएट करी हुई रेसिपी होती है और इनकी माशाल्लाह इनका काम इतना अच्छा है, इतना जायका इनके हाथों में, और मैंने पर्सनली इनका बिल्कुल खाना टेस्ट किया है और बहुत अच्छा होता है। और जो सारी मेरी बहनें जो घरों में इतनी मेहनत करती हैं, सारी मेरी फ्रेंड्स बनाती हैं और फिर उनको माशाल्लाह ऑर्डर्स मिलते हैं, और जिनको ऑर्डर्स मिलते हैं वो भी खुश होती हैं कि जब अच्छा जायकेदार खाना मिलता है। तो फायजा जो है वो अपने हाथ के जायके की वजह से बहुत मशहूर है। अच्छा जी फायजा, कितने मतलब कितना टाइम हुआ है आपको इस फील्ड में और कब से आप कर रही हैं? मुझे अलहमदिल्ला 10 ईयर्स अबव हो चुके हैं माशाल्लाह।
और फिर उसके बाद मैंने बहुत से डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, विन किया। फिर उसके बाद थोड़ा हुआ कि आप सर्टिफाइड हो जाएं, तो फिर मैंने अपना प्रॉपर सर्टिफिकेशन लिया। प्रॉपर सर्टिफिकेशन कहाँ से लिया आपने? गौतम से बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट है जी। और अभी उसकी जब मैं कैप की मेंबर बनी तो फिर वहाँ से मुझे एज अ जज शेफ की भी जजमेंट की तरफ आ गई है। अब मैं उसमें चली गई। स्टेजेस होती है, इंसान अपने घर से स्टार्ट करता है और फिर आखिरकार एक मुकाम पे पहुँचते हैं, तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल मेहनत का कहते हैं ना फल मिलता है। और अच्छा, बच्चों को क्या पसंद है आपके हाथ करके? मामा जो है ना वो कौन सी डिश बहुत अच्छी रेसिपी बनाती है वो बताए जरा। मेरे बेटे को स्पेशली पसंद है काबुली पुलाव। अच्छा, मेरा भी बहुत फेवरेट है पुलाव, तो आई लव्ड। और बाकी दो बेटियों को मेरे जो है वो लज़ानिया और एक को पिज्जा। तो आप ऐसा करती होंगी कि ऑर्डर्स के साथ वही मेन्यू अपना भी रख लेती होंगी, उसमें बढ़ा दिया है। बच्चों को ज्यादा पसंद आता है जो घर में होता है। किसी के लिए आप बनाओ ना वो ज्यादा अच्छा बनता है, बनस्पत आप अपने लिए बनाओ घर में, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर बनाते हैं। जैसे कुकिंग शो में खाना बहुत मजे का बनता है, लिटरली बहुत मजे का बनता है, घर में बनाओ तो नॉर्मल बनता है। तो उसका रीजन ये तो कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना वो हमारी फूड की तरफ होती है ना, ये वाला रीजन होता है। चले जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे आप? तो यहाँ पर जी बन रही है मज़ेदार सी मंगोलियन चिकन बन रही है, और यहाँ पर ऑयल के अंदर जो है वो आज मैं कमेंट्री कर रही हूँ, जैसे मैच हो रहा होता है ना तो उसकी आप लोग कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अच्छा, साथ साथ जो है वो हमारे पास मौजूद है लाजवाब फूड के स्पाइसेस मौजूद हैं, और लाजवाब फूड्स के स्पाइसेस का हम यहाँ पर चाट मसाला यूज़ करने वाले हैं जी। और चाट मसाला यूज़ करके हम अपनी यहाँ पर डिश बना रहे हैं। और लाजवाब के फूड्स की बात करूँ, मसालों की बात करूँ, तो इसमें सिंधी बिरयानी, बम्बई बिरयानी, इसमें कोरमा मसाला, इसमें निहारी मसाला, इसमें जो है वो कड़ी पाउडर, इनका अचार गोश्त मसाला, इनका कढ़ाई गोश्त मसाला, और इनकी डिफरेंट रेंजेस भी लॉन्च होने वाली हैं। ये सारी रेंजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, और साथ साथ DHA के तमाम मार्ट्स पर इनके प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। साथ साथ जो है वो अगर क्रीक मार्ट से आप बाय करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, और इसके साथ साथ इनकी वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो उसका तरीका क्या है? फेसबुक पेज पर आपने लाजवाब फूड्स लिखना है, उसको लाइक एंड फॉलो कर लें, वहाँ जाकर आपने इसकी वेबसाइट का लिंक ऑन करना है, और इसके साथ साथ जो है वो जब आप लिंक ऑन करेंगे तो वहाँ जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। और मेरा आपको पर्सनली रिकमेंडेशन है कि आप इनकी सारी रेंजेस मंगाएं और इस्तेमाल करके देखें कि कितने ज़बरदस्त इनके मसाले हैं, क्योंकि प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट से मसाले बने हुए हैं। इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किए गए, कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया गया, तमाम मसालों में जो कलर है वो कुदरती मिर्चों के ज़रिए ही दिया गया है, जैसे कि टखनी मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है, इसी तरह से जो है वो कश्मीरी मिर्च होती है, उनसे मिलाकर ये दिया हुआ है। और जो है वो लाजवाब फूड्स का जो है वो गिफ्ट बैग भी जाएगा फायज़ा के साथ, शेफ फायज़ा के साथ जाएगा। आज दिन ये रेसिपी की जानिब जी फायज़ा जी, ये देखिए सोते हो रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डन करके फिर हम इसमें थोड़ा सॉस डालेंगे, फिर हम इसमें सॉस बनाएंगे, इसमें डालेंगे सोया सॉस जाएगा, अपना चली जाएगी सोया सॉस जाएगा इसमें 2-3 टेबल स्पून, फिर इसमें ब्राउन शुगर जाएगी, साथ में फिर हम थोड़ा सा चिली सीड भी साथ डाल देंगे, बाकी ऊपर गार्निश कर देंगे। अभी आपको क्या करना है इसमें? थोड़ा सा ये और है सोया सॉस डाल के थोड़ा सा शुगर डाल के थोड़ा सा टेंडर करने की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि अच्छे से चिकन फ्राई हो जाए जी। ठीक है, फिर जब ये हो जाएगा तो फिर हमें इसको बंद कर देना है, क्योंकि सॉस को ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, तो उससे सॉस ही रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर जब तक ये फ्राई हो रही है यहाँ पर टाइम आ गया ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। सो जम्मू वानी वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पे बन रहा है बहुत मज़ेदार सा चिकन मंगोलियन बन रही है, और ये बीफ में भी बना सकते हैं आप। बस उसका बीफ में थोड़ा सा टेंडर टाइम होता है, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा कवर करके उसको स्ट्रिप्स में कट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंडर की जरूरत नहीं पड़ती है। बारीक काटना होता है, टचिंग भी थोड़ी डिफरेंट होती है, और उसकी बीफ भी हम स्पेशली साथ लेकर आते हैं। बिल्कुल। और अंडर कट जो होते हैं ना, बड़ी अच्छी टिप दे रही हूँ। अभी आपको स्टेक बनानी हो, टेंडर बीफ बनाना हो, आपको मंगोलियन चिकन बनानी हो, आपको ड्राई बीफ चिली बनानी हो, आपको कोई भी चीज़ बनानी हो जो चाइनीज़ टेक्सचर में हो लेकिन उसको बीफ में आप यूज़ कर रहे हो, तो आप उसमें बीफ जो है वो अंडर कट का इस्तेमाल करें। 15 से 20 मिनट में वो पूरा टेंडर हो जाता है, और जो है वो उसको आप थोड़ा पतला फ्लैट उसके करके पीसेस करके और फिर पतले पतले स्ट्रिप्स काटें, तो वो बड़ा अच्छा जो है वो गल जाता है। सभी हम क्या डाल रहे हैं? सोया सॉस डाल रहे हैं। सोया सॉस डाले हमने 3 टेबल स्पून। ठीक है, ये ब्राउन शुगर है। ठीक है, तकरीबन ये 1.5 टीस्पून के करीब। ठीक है, 1.5 टीस्पून हमने से ब्राउन शुगर, सोया सॉस 2 टेबल स्पून अराउंड ऑलमोस्ट। ओके जी, सेसमी सीड्स, आई लव दैट। और मैं तो बल्कि इसको ऐसे करके ना ये इस तरह से खाती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। नेपाली लड्डू बनाती हूँ, वो कोकोनट और इसके साथ बनते हैं, इसमें सीड के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप आपने आना है तो वो शेयर करना। इंशाल्लाह सर्दियों में बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह के जो सारे हम लोग बनाते हैं ना रेसिपीज, और इसका अपना एक अरोमा होता है जो भी वो पत्ता है वो निकलता है इसके, तो बहुत टेस्टी आ जाता है। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई करनी है इस रेसिपी को। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वीनस एसटी टीवी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मेरी रेसिपी डेली अपलोड होती है, जो अब तक मैं बना चुकी हूँ और जो अब तक मैंने नहीं बनाई है। आपने सिर्फ कुकिंग विद चाइना वीनस लिखना है, मेरी तमाम रेसिपीज़ आ जाएंगी और आप वो सारी की सारी जो है देख सकते हैं। और साथ साथ हमारी डेली रेसिपीज़ अपलोड होती है, कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है आप स्टॉप करके पाउज करके यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है वीनस एचटी का, उसको भी लाइक और फॉलो कर लें। मेरा अपना पेज है शेफ़ शाहीना शुमाइल के नाम से। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हमारे प्रोग्राम में आएँ और अपनी कोई डिश बनाएँ, या आप कोई डॉक्टर है, कोई हर्बलिस्ट है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट है, आप आना चाहते हैं, तो आप मेरा पेज है शेफ़ शाहीना शुमाइल के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे। और साथ साथ इंस्टा पे हूँ मैं शेफ़ शाहीना के नाम से, वहाँ जाकर आप उसको भी फॉलो कर लें और मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं डिफरेंट अपडेट्स डालती हूँ कि जब मुझे किसी गेस्ट को बुलाना होता है, किसी शेफ़ को, आप शेफ़ ना भी हो, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, कोई कुकिंग एक्सपर्ट है, तो भी यहाँ पर आप आ सकती हैं। हमने क्या डाला ग्रीन अनियन की ग्रीन पार्ट जो है वो डाली है, ग्रीन अनियन का हमने जो है वो ग्रीन वाला पार्ट इसके अंदर डाला है। बस ये ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, क्योंकि ये बोनलेस है तो ये तो जल्दी बन जाते हैं, तो इसमें इतना टाइम नहीं। अच्छा, अब हम इसमें और सॉस वगैरह अलग से बनाएंगे इसकी, या इसमें डालेंगे ऐड करेंगे? नहीं, ये इसमें हो गया डन। ये इसको हम अब इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसको बंद कर दिया। अब हमें क्या करनी है? इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है, हम ये वेजिटेबल को सॉटे करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको इन दोनों को साथ सर्व करेंगे। सही है, ये इसके साथ सर्व किया। ठीक है जी, अच्छा हम इसको यहाँ से सेट करते हैं। अच्छा, साथ साथ जो है वो मुझे फ़ायदा आपने ये बताना है कि ये जो आपने डिश बनाई है ये कौन सी कुजीन से बिलोंग करती है, और साथ साथ आपकी फेवरेट कुजीन कौन सी है? सबसे पहले तो अपनी फेवरेट कुजीन बताएं। मेरी जो फेवरेट है वो इटालियन है। इटालियन में कॉर्डन ब्लू जो है, और प्लस प्रोटीन चिकन और लज़ानिया भी आ जाता है बीच में। सही सही। लेकिन सही। ये थोड़ी सी इस तरह की डिशेज हैं जो बहुत कम बनती हैं, लेकिन जो बनती है तो बहुत मज़े की बनती बिल्कुल है। बहुत अच्छी बनती है। तो अच्छा, मुझे भी पर्सनली थाई फूड थोड़ा सा पसंद है, इटालियन की तरफ भी थोड़ा रुझान है, और साथ साथ जो है ना कोरियन का आजकल बड़ा आपको पता है बहुत ज़्यादा कोरियन ट्रेंडिंग पे हो गया, क्योंकि वो उनका स्पाइस ना पाकिस्तानियों वाला है। बिल्कुल, इसी वजह से पाकिस्तानियों को पसंद आ रहा है पूरी दुनिया में पसंद। हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया में अब तो कोरियन फूड का बड़ा नाम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी फूड का जो नाम है ना उसको कोई बीट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि हमारे देसी खाने उसके देसी होते हैं। और चले जी, यहाँ पर जो है हम इसको अब डिश आउट करेंगे, और साथ साथ हमने इसके साथ सौते वेजिटेबल्स को करना है ना, तो सौते वेजिटेबल्स को भी करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो आपने चिकन तो बना लिया, अब आप इसके साथ जो है वो मंगोलियन चिकन से सॉस बना रही है, सॉस कौन सी बना रही है? थोड़ा सा सॉस है, सिराशा सॉस है।
क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें वो बना दिए थोड़ा बहुत सॉस उसके साथ है, अब थोड़ा सा सराचा बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके जो थोड़ा सा हम मैरिनेशन करेंगे तो फिर सेट हो जाएगा। सही, चलें तो फिर स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, स्टोव को ऑन कर दिया है लेकिन फ्लेम को मैंने लो करा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने किस तरह से बनाना है? ये टमाटो प्यूरी है, ये दो टमाटो की मैं प्यूरी बना के लाई हूं। सही है, ये दो टमाटो प्यूरी ऐड करी है इन्होंने, केचप, केचप आप कितना ले रही हैं? ये दो टेबल्स, आधा टेबल ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर आपको इंस्टेंट सराचा सॉस बनाना सिखा रहे हैं, और आपको पता है कि बॉटल्स में कितनी अवेलेबल, कितनी जो होती है इसकी कॉस्टली होती है कितनी, और आप घर में इस तरह से बना सकते हैं बिल्कुल। और आज बड़े अच्छी रेसिपी लेकर आई हैं शेफ फायदा जी। फायदा जी, मैंने अभी केचप डाल दिया, साथ में मैंने इसमें डाल दिया है अपना रेड चिली सॉस। सही है, यानी कि जो चिली गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक यानी जो चिली सॉस होती है, ठीक है, सोया सॉस, चिली सॉस वाली जो सॉस होती है, वो जो आपको पता है वो ट्रायो पैक्स भी आते हैं ना, उनके वो वाली हमने यहाँ पे सॉस यूज करी है। अच्छा, इसमें फ्लेक्स डाली है, चिली फ्लेक्स है, उसी रेड पेपर डाली है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ये स्पाइसी होती है। हाँ, ये सिराचा सॉस स्पाइसी होती है, और इस लूजी स्पाइसी खानों के लिए होती है, स्पाइस देने के लिए। एग्जैक्टली, सॉल्ट हम डाल रहे हैं आपके टेस्ट और सेहत के हिसाब से, क्योंकि हर चीज में सॉल्ट ऑलरेडी होता है। हाँ, सारी सॉसेस में सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट का ख्याल रखें। और बस इसको मैरिनेट, ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इसको मिक्स किया है, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है जितना पकेगी ये उतना थिक होगी, तो आपको जितनी इसकी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है आप उसके हिसाब से इसको, वैसे जो सिराचा सॉस होती है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, केचप से थोड़ा कम गाढ़ी होती है, और जो चिली सॉस होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा थिक होती है, तो उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होती है, तो उसका बिल्कुल ख्याल रखिएगा। इसका रिकैप करते हैं ताकि जो लोग इसको बना के स्टोर करना चाहें तो वो कर सकें, तो फिर वाइजा इसका रिकैप करें। मैंने इसमें दो टमाटोज की प्यूरी बना के डाली है, फिर इसमें मैंने केचप डाला है, ठीक है, साथ में मैंने चिली सॉस डाला, ठीक है, फिर मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं हाफ टी स्पून से ही, और साथ में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, और थोड़ा सा चिली रेड पेपर डाल, चिली रेड चिली डाल दी, रेड चिली डाल दी, ठीक है। अब बस इसको ये करेंगे, और अगर पानी जैसे हो जाता है और हमें टाइम लगे तो हम उसमें कॉर्नफ्लावर भी डालें तो वो भी सेट हो जाता है, थोड़ा सा हमें थिकनेस चाहिए होती है ना, हाई कर देते हैं ताकि ये थिक हो जाए, लेकिन ये खुद अपने टेस्ट में हो तो ज्यादा अच्छा बन जाता है, अच्छा बन जाता है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और साथ यहाँ पर टाइम आ गया एक मजीद एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहाँ पर वेजिटेबल सौते होने वाली है, यहाँ पर सर्व कर रहे हैं हम जो है वो उसको सिजलर में सर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और यहाँ बन रही है मज़ेदार सी जो है वो मंगोलियन चिकन बनी है, साथ साथ सिराचा सॉस हमने बना ली है, और अब बारी है हमारे सौते वेजिटेबल्स की, और फायज़ा करेंगी। और फायज़ा, ये सारी सब्जियों का क्या प्रोसेस था, क्या सारा कुछ किया, मैं ना थोड़ा सा आपके लिए स्पेस क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है, तो हम ये सॉस निकाल देते हैं इसमें, देखें बिल्कुल इसकी परफेक्ट सिराचा, क्योंकि ठंडा होकर और गाढ़ा होता है आपको पता है, तो बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो है ना वो आई है। जी, मैंने ये जो कैरेट लिया था इसको मैंने ब्लांच कर लिया था, ब्रोकली को, बाकी कैप्सिकम और कैबेज, अनियन और टोमेटोज, इनको हम हल्का सा सौते करेंगे, और इनको थोड़ा क्रंची साइड पे रखना होगा, ठीक है, साथ में इनमें हल्का सा ये लाजवाब का कड़ी मसाला, कड़ी पाउडर, कड़ी पाउडर आप इसका यूज करते जो भी बेहतरीन जायका है, लाजवाब फूड्स, इसका जायका ही है लाजवाब।
बेहतरीन कलर देता है आपके खानों को, खुशबू देता है, इंस्टेंट आपके खाने पक जाते हैं। दावत हो, कुछ भी हो, आप ऑर्डर इनके जो है वो मसाले बनाएं और फ़ायज़ा आपके साथ जाजवाब फूड्स का जब गिफ्ट पैक जाएगा तो आपने ट्राई करके ज़रूर देखने अपने इनके मसाले और साथ साथ इनके पेज पर जाके अपना फ़ीडबैक देना है कि आपकी डिश कैसी बनी, और साथ साथ मज़ीद गिफ्ट आपको विन करने का और आप लोग जो देख रहे हैं तमाम लोगों को गिफ्ट विन करने का तरीका क्या है। आपने लाजवाब फूड का मसाला रखना है और आपने अपनी कोई भी रेसिपी उसकी बनाई हुई उसकी आपने जो है वो पिक्चर मुझे सेंड करनी है इंस्टा पे मेरे शेफ़ शाहीना के नाम से, जो मैं इंस्टा पे हूँ वहाँ पे टैग करनी है, आपको मिलेगा लाजवाब फूड्स की जानिब से एक अदद गिफ्ट बैग मिलेगा। चले जी आ जाते हैं, इसको सौते करते हैं और ये बड़ा प्यारा सबसे अच्छा अमल मुझे लगता है सौते करने का। तो यहाँ पर हमने लाइट ऑयल डालेंगे इसमें, थोड़ा सा टू टी स्पून ऑयल डाला है, ठीक है। इसको हम हॉट करेंगे, फ्लेम आपको हाई चाहिए मीडियम चाहिए? नॉर्मल चाहिए, तो मीडियम फ्लेम हमने कर दी है। इसको ज़्यादा ऑन करना है बस। सारी वेजिटेबल्स जो है वो ब्लांच हुई हुई है, सिर्फ कैबेज जो है वो कट की हुई है। कैप्सिकम को भी ब्लांच नहीं किया था नहीं। क्योंकि कैप्सिकम बहुत लाइट होती है, सिर्फ ब्रोकली और कैरेट को हमने, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है वो फ्रेश है। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं बड़े शौक में करती थी इसीलिए मेरे विश में ना झलक आया, वो मैं फिर जी ये ले जी। और हम इसमें डालने वाले हैं लाजवाब मसाले का कड़ी पाउडर जो है वो इसमें हम डालेंगे फॉर द पर्पस ऑफ फ्लेवरिंग। और यहाँ पर हमने यूज़ करा है, नॉर्मली बहुत से उनको पसंद नहीं आता कि बिल्कुल सादी और बिल्कुल विदाउट ना, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये ले जी, यहाँ पर हम इसको डाल रहे हैं सालन मसाला लाजवाब फूड का कड़ी पाउडर। और आप ये देख सकते हैं ये इसकी पैकिंग है। आदत से मजबूर है, आदत मजबूर है बिल्कुल, चाहे दर्द हो या ना हो हमें करना है। सही है जबरदस्त। और अब हमने क्या करना है इसमें, सिर्फ 2-3 मिनट हम इसको करते हैं डार्क से, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका क्रंच हमें अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करते वरना ये सॉगी हो जाती है और ऑयल भी कम डालते हैं। तो यहाँ पर हमने ये डाले हैं इसके अंदर स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट हमने इसके अंदर डाला और अब हम इसे यहाँ पर कर रहे हैं बंद। चले जी अब हमने क्या करना है, इसकी हॉट प्लेट को गर्म करना है, इसी पे करना है। हाँ इसी पे कर लेते हैं, मैंने शिफ्ट कर दिया। अच्छा जब हम इसको आप इसको पकड़ेंगे तो आपने किसी किचन क्लोथ किचन टावल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सिज़लर जो होते हैं वो आपको पता है कि आप इसको हॉट प्लेट्स में रख सकते हैं, इसे ओवन में रख सकते हैं। तो आपने सिज़लर्स को क्या करना है, सिज़लर्स को आपने जब गर्म कर लेना है इसमें, तो उसके बाद जो है आपने इसको किसी किचन क्लोथ किचन टावल से पकड़ कर उठाना होता है। 3-4, 4-5 मिनट सिज़लर को गर्म करने में लगते हैं, और ओवन में भी आप इसे गर्म कर सकते हैं, इसे हॉट प्लेट्स में भी गर्म कर सकते हैं। और ये आपको पता है आजकल कितना ट्रेंड चला हुआ है इसका, और हमने बिल्कुल शेफ़ फ़ायदा ने कहा कि मैं इसको सिज़लर में बनाऊंगी, मैंने कहा कोई बात नहीं है उसको सिज़लर में बनाएं, और सिज़लर में जो है वो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा बिल्कुल। और यहाँ पर जो है हम इसको गर्म होने में, क्योंकि आपको पता है अच्छा जितनी देर से वो गर्म होने में रहती है उससे ज़्यादा टाइम ये जो है वो आपको पता है कि गर्म रखता है आपका खाना बिल्कुल, जो रेस्टोरेंट्स में कितना खूबसूरत बड़ा मुझे बड़ी पसंद है इस तरह की रेसिपी। मेन जो पर्पस है वो भी यही है कि आपका खाना देर तक गर्म रहे। अच्छा आप ऑर्डर कौन कौन सी कुजीन के लेती हैं वो भी थोड़ा सा बता दें कि किस तरह के ऑर्डर्स आपके डेली आ रहे होते हैं, किस तरह के लोग दे रहे हैं, कौन सी चीज़ें स्पेशल होती हैं आपकी रेसिपी जो लोगों को पसंद आती हैं, थोड़ा सा अपने बारे में, ताकि किसी बर्थडे है, कोई अकीका है या कोई इवेंट है कुछ भी है, तो उसमें इसको बंद करेंगे और यहाँ से ये हम इसको ये हमने रख दिया। अब झटपट से क्या करेंगे आप, अब ये चिकन डालेंगे, चिकन इसके अंदर डालें ताकि ये ठंडा होने से पहले। चलें ये आवाज़ कर
अब इसमें अच्छा सा सॉस हम डाल के फिर इसमें दोबारा चिकन डालेंगे। इसमें हम सॉस डालेंगे, बस आप थोड़ी सी प्लेटिंग कर लीजिएगा, सारी कर लीजिएगा। और अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे, इस तरह डालेंगे। देखिए ना, दूसरा ये वाला ले, ये बनी है जी परफेक्ट सिजलर रेसिपी, यहाँ पर बनी है। और ये इसके ज़बरदस्त, वेजिटेबल तो अपने आप के हाथ में है, आपको किस हिसाब से चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँ, फिर हमें अपना सारा टेक्सचर दिखाना है। और इसके ऊपर फिर हम इसको मज़ीद गार्निश कर देते हैं थोड़ा सा सेसमी सीड से, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से। इट्स लुक रियली ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त, यामी। और आई विश कि जो है ना, मैं ट्राई भी करके आपको बल्कि बता देती हूँ कि ये कैसी बनी है। और ये मैंने चिकन का ज़बरदस्त, यामी। और सौते वेजिटेबल्स तो मेरी है ही फेवरेट, और डाइट करने वालों के लिए बहुत अच्छी डिश है। ऑयल इसमें कितना कम यूज़ हुआ है, और सारा का सारा जो बिल्कुल ऐसा फूड इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं जो कि आपको किसी तरह नुकसान नहीं देंगे बल्कि आपकी हेल्थ अच्छी करेंगे। तो यम्मी, और क्रंच आपको फील हो रहा होगा, ये क्रंच, ये वाला क्रंच चाहिए होता है, यम्मी। और सॉस भी मैं टेस्ट कर दी, सॉस कहेगी आपने मुझे क्यों निराश कर दिया। नहीं, बहुत जो है वो हार्श होता है इसका फ्लेवर, तो जस्ट इसको फिंगर टिप से। परफेक्ट सराचा सॉस, और बहुत अच्छी तीनों रेसिपीज बनाई है। कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मतलब टीवी शोज की तरफ ज़्यादा रुझान है। अच्छा, मैंने ऑर्डर्स का आपसे कहा था कि आपको बताएं किस तरह के ऑर्डर्स आते हैं, चाइनीज़ के आते हैं, देसी आते हैं, कौन कौन से, या सारी कुजीन बना लेती हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, तो वैसे तो मैं सारी कुजीन बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पाकिस्तानी के आते हैं, जिसमें नरगजी कोफ्ते हो गए, अपना चिकन कढ़ाई, ढाबा कढ़ाई, और काबली पुलाव। अच्छा, इस तरह के काबली पुलाव की रेसिपी ज़रूर शेयर करनी है आप में नेक्स्ट, जब भी आने हैं काबली पुलाव। और एक जो आपने वो लड्डू बताए ना, नेपाली लड्डू, क्योंकि मुझे इसका नाम ही बहुत अट्रैक्टिव लगा, नेपाल का थोड़ा सा ताल्लुक है। अच्छा, आपका ताल्लुक पर्सनली कहाँ से, कौन से शहर से ताल्लुक है आपका? मैं बेसिकली मैं क्वेटा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं वहीं पर पली बड़ी हूँ, फिर शादी होकर हम लोग यहाँ, मैं कराची आ गई, ठीक है, और यहीं पर आके बाकी मैं इनके अपने होम वाइफ शेफ वाइफ, एक तो शेफ मेरे जहन में इतना बैठ गया है कि नॉर्मली मैं हाउस वाइफ थी, तो फिर वहाँ से मैंने थोड़ा सोचा कि कुछ करना चाहिए, क्यों खाली हाथ बैठे रहने से तो बेहतर है। हस्बैंड तो बड़ा खुश होते होंगे भाई, बड़े अच्छे अच्छे खाने बनते हैं। बस उन्हीं का सपोर्ट था, तो इस वजह से यहाँ पे हूँ कि सर्टिफाइड शेफ हो गई, और फिर उसके बाद आगे से आगे बढ़ते गए। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इसी तरह आगे लेके जाए, और इसी तरह मज़े मज़े के खाने आप बना के अपने घर वालों को खुश करती रहें। अल्लाह ताला मेरे, आपके और हम सबके रिस्क में इजाफा करे और बरकतें अता करे। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके, आपके प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। और आपके साथ जाएगा ये लाजवाब फूड्स का जो है वो गिफ्ट बैग जाएगा, तो ये आपके साथ जाएगा। और इसके साथ ही साथ बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और मुझे और मेरी वीनस एजीटीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।